और दूरी में जो हवा को लेकर बंद करो है, बंद करो किया जाए कहीं ना कहीं, बंद करो से नरेंद्र मोदी लेकिन नारेबाजी जो है वो शुरू हो बंद करो बदकिस्मती है हमारी इस यूनियन टेरिटरी की या हमारे देश हमारी रियासत में जो सिलसिला चल रहा है, वो कश्मीर में गए पिछले कई महीनों से टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। पहले कश्मीर में एक वाकया हुआ, दो हुए, तीन हुए, चार हुए, बाकायदा टारगेट किलिंग हुई। और अब आपने देखा होगा कि जम्मू में पिछले कुछ दिनों से जितने वाकयात हो गए, जिनमें मैं कहूंगा कि जो वाकया कल हुआ, परसों हुआ, जो रजौरी में वाकया हुआ, जो ढांगरी पंचायत थी वहां, और उन लोगों ने एक बाकायदा सर्वे करने के बाद कुछ फैमिली को निशाना बनाने के लिए पहले सर्वे किया और उनको टारगेट किया, जिसमें हमारे 6 निहत्थे लोगों की जानें चली गईं। पहले दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि सबसे सोचने की बात यह है कि जब 4 लोगों की जानें चली गईं, तो उसके बाद जहां भी इस किस्म का वाकया होता है वो एरिया सैनिटाइज किया जाता है। और दूसरे ही दिन थोड़ी देर के बाद उसी एरिया में जो ब्लास्ट हुआ, जिसमें 2 बच्चों की जानें चली गईं, ये बड़ी एक नालायकी है, बड़ी इल प्लानिंग है, और मैं समझता हूं कि ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज की बड़ी कमजोरी है। और यहां तक हमारी पार्टी का संबंध है, आपने देखा होगा कि जनाब गुलाम अली आजाद साहब ने भी वहां से कंडेम किया और उन्होंने भी ये कहा कि बड़ी बदकिस्मती है कि अभी तक हम आतंकवाद को रोक नहीं पाए। हम क्लेम्स तो बड़े बड़े करते हैं, दावे तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन हम आज तक टेररिज्म को लगाम नहीं दे सके। और जो रजौरी में वाकया हुआ, आज जितने हमारे साथी यहां डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के साथी खड़े हैं, हम लोग सब नंबर 1 इसको कंडेम करते हैं। नंबर 2 मैं कहना चाहता हूं